ऐसी मौत मारो इनको, किश करने वालों की रूह तक कांप जाए। जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोगैम्बो खुश हुआ। बॉलीवुड में आप हीरो की बात करें या फिर विलन की, दोनों की पर्सनालिटी और एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आती है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब फिल्मों में विलन की एंट्री होती थी तो सभी की सांसें थम जाया करती थी। इतना ही नहीं, उनकी एक्टिंग लोगों के दिलों पर इस कदर छा जाया करती थी कि कुछ तो उन्हें असल जिंदगी में विलन समझ बैठते थे। वैसे क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के वो कौन से विलन हैं जिनके बोले गए एक एक डायलॉग्स बच्चे बच्चे को याद है? आइए नजर डालते हैं उन विलन की लिस्ट पर और उनके डायलॉगों पर। अजीत खान अपनी दमदार एक्टिंग और पर्सनालिटी के साथ डायलॉग बोलने को लेकर वो काफी फेमस थे। जंजीर फिल्म का ये डायलॉग बड़ा कौन बोल सकता है, जब अजीत खान हीरो को स्कॉच पीने के लिए ऑफर करते हैं, जो वो कहते हैं आओ विजय बैठो हमारे साथ और एक स्कॉच पियो, हम तुम्हें खा थोड़ी जाएंगे, वैसे भी हम वेजिटेरियन हैं। इसके अलावा फिल्म काली चरण का डायलॉग सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की, वो भी उनके फेमस डायलॉग्स में से एक रहा। अमजद खान फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाने वाले अमजद खान को हर कोई जानता है। उनके फेमस डायलॉग थे कितने आदमी थे, तेरा क्या होगा कालिया, होली कब है, कब है होली कब? अरे ओ सांभा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पीसा आटा खिलाते हैं रे। ऐसे ही दमदार डायलॉग्स बोल के उन्होंने शोले फिल्म में अपनी छाप छोड़ी थी। प्राण बॉलीवुड में फिल्म एक्टर प्राण की गिनती हमेशा बेहतरीन फिल्म्स में की जाती है। उनके फेमस डायलॉग्स में से आते हैं इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, अभी से सब कुछ बंद राहत। बरखुद्दार जैसे उनके दमदार डायलॉग्स लोगों के बीच आज भी फेमस हैं। अमरीश पुरी अपनी दमदार आवाज और एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले अमरीश पुरी का तो बच्चा बच्चा दीवाना है। उनकी शानदार फिल्मों की बात की जाए तो उन्होंने मिस्टर इंडिया, दामनी, मेरी जंग, राम लखन में विलन का किरदार निभाया था। उनका ऑल टाइम यादगार डायलॉग रहा मोगैम्बो खुश हुआ। प्रेम चोपड़ा फिल्म उपकार से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रेम चोपड़ा की इस लिस्ट में अच्छी जगह है। उनका दमदार डायलॉग है प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। डैनी ये नाम जिस भी फिल्म के साथ जुड़ जाया करता था वो फिल्म अपने आप में खास होती थी। उनके फेमस डायलॉग में शामिल है मौत और बदनसीबी तो ऐसी चीजें हैं जो बगैर खबर के ही आती है, हम है बख्तावर। इसके अलावा सदा शिव उन्हें बॉलीवुड के सबसे अच्छे विलन्स में शामिल किया जाता है। उनके फेमस डायलॉग्स में से एक है ऐसी मौत मारो इनको, किश करने वालों की रूह तक कांप जाए। नई नई वर्दी है ना, वो क्या है ना कि नई दुल्हन अपनी नथ को बार बार आईने में देखती रहती है। इसके अलावा बात करते हैं गुलशन ग्रोवर की। गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड के बैटमैन के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में विलन का काम किया है। उनके फेमस डायलॉग्स में से एक है मैडम माया तेरी तो मैं पलट दूंगा काया, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। रंजीत रंजीत को ज्यादातर फिल्मों में विलन के रूप में ही देखा गया। उनके फेमस डायलॉग्स में शामिल है इस शहर में सिक्का सरकार का जरूर चलता होगा मगर राज अपना है, कानून बनाने से पहले कानून तोड़ने वाले पैदा हो गए थे। फिल्म अंदाज अपना अपना में एक फनी विलन का रोल शक्ति कपूर ने निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने क्राइम मास्टर गोगो का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके फेमस डायलॉग था क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूँ मैं गोटियां। ये बॉलीवुड के वो फेमस और बेहतरीन विलन थे जिनके डायलॉग्स आज भी लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ते हैं। तो ये थे इंस्टाफीड की एक और स्पेशल रिपोर्ट। ऐसी बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इंस्टाफीड।